तू सिर्फ गाड़ी से उतरा है, मैं तो कैरेक्टर में उतर गया। सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने वीडियो में फेस को कैसे स्मूथ करेंगे, यानी कि गाइज फेस को कैसे रिटच करेंगे। देख सकते हो गाइज बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा फर्क है। इसी टाइप से गाइज फेस स्मूथ एंड 4K क्वालिटी वाली वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। यानी कि गाइज आज की इस वीडियो में दो ट्रिक बताने वाला हूँ, एक फेस को कैसे स्मूथ करेंगे वीडियो में और एक ब्लर जैसा वीडियो को 4K में कैसे इन्हेंस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। तो जैसा गाइज हम आ गए अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे, सो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, इसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो ऐप्स को ओपन करना है, ऐप्स का नाम गाइज आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऐप्स का नाम है गाइज एयरबीड। ठीक है, एयरबीड नाम है ऐप्स का। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की होंगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गाइज इनहेंस पे ना रिटच पे आपको ऊपर में क्लिक नहीं करना होगा, यहाँ से प्लस ऑप्शन दिखेगा, प्लस पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे गाइज डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, यहीं पर आपको सारा सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज इनहेंस लिखा हुआ है, इस वाला इनहेंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 180 में आपका वीडियो HD होगा। लेकिन गाइज आप AI रिपेयर पे क्लिक कीजिएगा, AI रिपेयर पे क्लिक करके वीडियो को इनहेंस कीजिएगा तो आपका 4K क्वालिटी तक वीडियो इनहेंस होगा। लेकिन गाइज हमें क्या करना है, वीडियो में फेस को पहले स्मूथ करना है, इसके बाद हमें वीडियो में 4K क्वालिटी ऐड करना है। ठीक है, 4K इनहेंस करना है। तो यहाँ पर आपको एक रिटच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रिटच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को चूज कर लीजिएगा जिस वीडियो में आप फेस स्मूथ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज देख सकते हो हमें इस वीडियो में फेस स्मूथ करने वाले हैं। तो क्या करना होगा, जब आपको यहाँ पे ऑटो रिटच का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो ऑटो रिटच को आपको 50 या 60 के आसपास बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जैसे तो गाइज मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया 50 के आसपास, एंड यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करना होगा और स्मूथनेस को फुल कर देना होगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद देख सकते हो गाइज वीडियो में फेस किस तरह से स्मूथ हो चुका है एकदम हार्ड HDR में। ठीक है, अभी HDR में स्मूथ नहीं हुआ है, लेकिन गाइज हम इसे 4K में कन्वर्ट करने वाले हैं, पहले इसे स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो रिटच को गाइज आप 36 या 35 के आसपास रखिएगा अपने वीडियो के हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ से डन कर दीजिएगा। एंड गाइज यहाँ से आप देख सकते हो मेकअप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये गर्ल्स के लिए है गाइज। यदि मेरे वीडियो को गर्ल्स लोग देख रहे होंगे तो ये आपके लिए है, मेकअप आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से कर देना होगा डन। डन करने के बाद गाइज क्या करना होगा, इस वीडियो को यहाँ से सेव करना होगा। सिंपली गाइज यहाँ पे मैंने वीडियो में फेस रिटच किया है, यानी कि गाइज फेस को स्मूथ किया है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसे सेव कर रखा है। ठीक है, सेव करने के बाद गाइज थोड़ा सा टाइम लेगा और डाटा को हमेशा ऑन रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही 100% हो जाता है तो आपका यहाँ पे फेस रिटचिंग वाला आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, यानी कि गाइज यहाँ पे आपका फेस रिटचिंग वीडियो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से डन कर देना होगा, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, डन हो जाएगा। डन होने के बाद गाइज फिर से गाइज आपको उसी वाले प्लस पे क्लिक करना होगा। तो अब हम गाइज इसको इनहेंस करेंगे। ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा और AI रिपेयर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि गाइज हमें 4K में वीडियो इनहेंस करना है। ठीक है, 4K या 2K या 180 पे सब कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइज उसी वीडियो को चूज कर लीजिएगा जिस वीडियो में भी हम फेस स्मूथ किए हैं। ठीक है, एंड चूज करने के बाद यहाँ पे गाइज कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइज तीन सेटिंग करना है, आपको नहीं चार सेटिंग करना है गाइज। आपको यहाँ पे HD क्वालिटी, यानी कि इमेज क्वालिटी को आपको हमेशा फुल कर देना होगा, बस इस पर टाइप कीजिएगा, इसका पॉइंट फुल हो जाएगा, एंड डेनोइस को आपको फुल कर देना होगा, इससे गाइज आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। इन दोनों को हमेशा फुल रखना है और इसको 2K या 4K तक आपको रखना है, जितना आपका सपोर्ट लेता है। तो मेरे में 2K लेता है, इसलिए मैंने 2K रखा है। यहाँ पे देख सकते हो गाइज 4K का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप 4K में भी कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे 2K रखता हूँ। एंड यहाँ पे गाइज क्या करना है, कलर इनहेंस को भी फुल कर देना होगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको डन कर देना होगा, चार ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके डन कर देना होगा। एंड यहाँ पे आपको फिर से AI रिपेयरिंग लेगा, इस बार गाइज आपका थोड़ा सा लेट से होगा। ठीक है, AI रिपेयरिंग, क्योंकि गाइज इनहेंस होने वाला है वीडियो, थोड़ा जल्दी नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितना आपका डाटा स्पीड होगा हाई, ठीक है, उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 5 मिनट भी लग सकता है गाइज आपको। ठीक है, चलिए हम वेट कर लेते हैं। और हाँ गाइज, इस ऐप को आप यदि डाउनलोड करना चाहते होंगे तो मेरे टेलीग्राम पर ये ऐप आपको मिल जाएगा, नहीं तो गाइज वहाँ नहीं मिलता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं इस ऐप का लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है, सो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइज हमारा वीडियो की क्वालिटी एकदम से इनहेंस हो चुका है, फेस स्मूथ भी हो चुका है और वीडियो इनहेंस भी हो चुका है। ठीक है, तो ओरिजिनल एंड आफ्टर में करके दिखाता हूँ, देख सकते हो गाइज बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा फर्क हो चुका है। ठीक है, सो इसी टाइप से गाइज आप अपने खराब से खराब वीडियो की क्वालिटी इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो और वीडियो में फेस स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये सेव हो जाएगा आपका गैलरी में। सो गाइज यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए।